सारी सेटिंग करने के बाद फाइनली मेरे BSNL के नंबर पे यहाँ पे 4G पकड़ने लगा, जैसा कि आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं, मैंने पूरा सेटिंग ऐसे कर लिया है। दोस्तों BSNL की सिम है आपकी और उसमें 4G इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हम 4G इंटरनेट कैसे चलाएं वही तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं भी काफ़ी परेशान था, मेरे पास भी BSNL की सिम थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था और 4G नहीं पकड़ रहा था, कभी कभी ई आता था वो भी हट जाता था या नेटवर्क गायब हो जाता था, ऐसी समस्याएं आती थी। मैंने कुछ सेटिंग किया है जो आपके साथ साझा करूंगा और आपका भी इंटरनेट अच्छा खासा चलने लगेगा और यहाँ पे 4G एक्सेस हो पाएगा। क्या प्रक्रिया है, क्या सेटिंग है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी ना, पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ी सी भी स्किप कर देंगे ना तो हो सकता है कुछ सेटिंग छूट जाए और आपका यहाँ पे इंटरनेट ना चले, तो बाद में कमेंट करेंगे कि आपने सही तरीका नहीं बताया। तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आपको डिस्कस करके बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉयड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लाइव स्क्रीन पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर ना डेली की डेली ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहते हैं, तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं, आइए बताते हैं कि BSNL से ना 4G इंटरनेट हम कैसे चलाएं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो इसके लिए सिंपल है, करना क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन के ना सेटिंग को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस हम बढ़ा लेते हैं। अब यहीं पर एक ऑप्शन आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो BSNL की सिम आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, BSNL के सिम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इस पर क्लिक करिएगा और जो प्रेफर LTE है या फिर 2G 3G 4G ऑटो वाला ऑप्शन ऊपर है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। बोल्टी वाले ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा, जो बोल्टी है, ठीक ना, यदि यह चालू है बोल्टी तो इसको बंद कर दीजिएगा। अब एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको क्लिक करना है, जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ से ना एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, ऊपर 3 डॉट हो सकता है आपके फ़ोन में या फिर नीचे न्यू VPN लिखा होगा, इस पर क्लिक करके यह फॉर्म फिल करना है ताकि हमारा इंटरनेट अच्छे से चल सके। सबसे पहले नेम पर आना है, नेम पर आपको लिखना है BSNL, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा 4G, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। APN में लिखिएगा इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट 4G, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। प्रॉक्सी को छोड़ दीजिएगा, पोर्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 8080 और ओके कर दीजिएगा। यूजर नेम पासवर्ड दोनों को छोड़ देना है। सर्वर में आना है, सर्वर में लिखना है www.google.com, ठीक है, और ओके कर देना है। MMSC को छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी को भी छोड़ना है, MMS पोर्ट को भी छोड़ना है, MCC दोनों को छोड़ना है। ऑथेंटिकेशन टाइप पर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है PAP, ठीक है। APN टाइप पे आना है और यहाँ पे लिख देना है डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना है। APN प्रोटोकॉल पे आना है, IPv4 IPv6 पे क्लिक कर देना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे आना है, IPv4 IPv6 पे क्लिक कर देना है। बियरर पे आना है, जितने सारे डॉटेड दिख रहे हैं ना सभी डॉटेड पे चेक मार्क करिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको चेक मार्क करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे आइए, MVNO टाइप के नाम से एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करिए और नोन पे क्लिक करके मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। बस काम हो गया आपका, BSNL 4G के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके बैक आ जाइए। अब अपने डेटा को चालू करिए, इंटरनेट को, ठीक है। तो यहाँ से 4G आप में एक्सेस होने लगेगा, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक बात आपको बता दूँ दोस्तों क्लियर, जैसे ये जानते हैं क्या है, कुछ एरिया में 4G नेटवर्क इनका लगा है वहाँ पे 4G चल रहा है, जहाँ पे 4G इनका नेटवर्क नहीं लगा वहाँ पे 4G नहीं चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे मतलब हम तो, मेरा काम है वीडियो बनाना, नेटवर्क लगाना उन लोगों का काम है, बट कुछ ही शहरों में दोस्तों ना यहाँ पे 4G नेटवर्क लगा है, हमारे शहर में भी दूर है बट थोड़ा थोड़ा पकड़ता है, तो आपके एरिया में 4G रहेगा तभी पकड़ेगा, नहीं तो 3G पे करके ही काम चलाना पड़ेगा आपको दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों जो भी बताता हूँ रियलिटी के साथ बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जो भी बताया रियल बताया, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।